हेलो हिप हॉप लवर्स, क्या हाल चाल है भाई। मैं तो एक बार दोबारा से कंफ्यूज हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, दिमाग एकदम स्टक हो गया यार। इस लॉकडाउन के अंदर हिप हॉप सीन के अंदर कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कोलैबोरेशन भी आ रहे हैं, कुछ लोगों के ड्रीम कोलैबोरेशन भी हो सकते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन में देखा जाए तो भाई हिप हॉप के अंदर बहुत हेरा फेरी चल रही है, अदला बदली हो रही है, ऊपर नीचे गिरावट हो रहा है सीन के अंदर। आई होप आपने इक्का की स्टोरी देखी होगी और साथ में इक्का का लाइव सेशन भी देखा होगा, उसके बाद जय हिंद का भी लाइव सेशन देखा होगा, उसके बाद फिर दोबारा से इक्का का गुस्से वाला सेशन देखा होगा लाइव। बट यार यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शायद गलत लगी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। मुझे मालूम है कुछ लोग मुझे हेट भी करेंगे इस बात पे, बट एक नॉर्मल सी बात रखना चाहूँगा बिना हेट के। पहले तो यार देखो, अगर मैं इक्का का लाइव सेशन देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं इक्का की आंखों में वो दर्द दिख रहा था, वो एक फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, एक गुस्सा दिख रहा था। जो भी वो बोल रहा था मुझे कहने के लग रहा था कि वो एक वैलिड चीज़ है। उसके बाद जब जय हिंद दोबारा से अपने जय हिंद लाइव आए तो उसके बाद फिर वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने लगे, उसके बाद फिर दोबारा से ये वाला सीन जो स्टार्ट हुआ भाई साहब, रोदन रूप आपने देखा होगा इक्का का। मैंने इससे पहले कभी ऐसा गुस्से वाला मूड नहीं देखा था भाई इक्का का, लेकिन भाई जो दोबारा से लाइव आए तेल लगा के ले ली। बट यार एक चीज़ इसके अंदर जो कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे गलत लगी, पहला तो ये कि यार KDM के जो आर्टिस्ट हैं उनके आर्टिस्टों के बारे में गलत बोलना कि तुम्हारे आर्टिस्टों ने क्या लिखा है, बल्कि यहाँ पे लिखाई की कुछ बात नहीं थी, पेन कलम की कुछ भी बात नहीं थी, और जो कि शायद मेरे को एक थोड़ा गलत लगा। और साथ में एक चीज़ और गलत लगा कि यार यहाँ पे बोहिमिया पाजी को कहीं ना कहीं एक सेफ साइड करने की कोशिश थी। इक्का ये चाहते थे कि भाई मेरे मुझे बोहिमिया पाजी के बारे में कुछ भी गलत ना निकले, बट कुछ चीज़ें जो थी वो बोहिमिया पाजी के लिए गलत निकल गई, वो शायद मुझे गलत लगा। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर इन दोनों की आप बात देखें ना, तो यार बोहिमिया पाजी का इन्वॉल्वमेंट मुझे इनमें कहीं भी नहीं लग रहा। बट कहीं ना कहीं इसके अंदर मैं गलती बोहिमिया पाजी की भी दूंगा, मैं फ़ैन हूँ बोहिमिया पाजी का, बट यहाँ पे यार एक इमेज थोड़ी मेरी गड़बड़ा गई यार बोहिमिया पाजी को लेकर यार। क्योंकि देखो इक्का कोई नया आर्टिस्ट तो है नहीं कि भाई उसको पहले जय हिंद के पास जाना पड़ेगा। यार इक्का एक नॉन फेस है, इतने टाइम से काम कर रहा है, बड़े बड़े गाने दे चुका है, हिट गाने दे चुका है, और यहाँ पे बोहिमिया पाजी भी वो हिट गाने दे चुके हैं, बड़े बड़े गाने दे चुके हैं। और यहाँ पे बोहिमिया पाजी बोलते हैं इंटरव्यू में कि भाई इक्का अच्छा आर्टिस्ट है, तो यार यहाँ पे जब एक कोलैबोरेशन की बातचीत होती है तो यहाँ पे बोहिमिया पाजी को खुद सामने से या फिर इक्का पाजी को खुद सामने से कॉल करना चाहिए था, या फिर भाई जो भी मैटर चल रहा है अभी की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की। जैसे कि पहले बोला कि भाई बोहिमिया पाजी ने कि मैं गाना करना चाहता हूँ इससे पहले मेरा मूड बदल जाए, तो यहाँ पे यार जेन का इन्वॉल्वमेंट मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था यार। अगर डायरेक्ट बात होती तो आज शायद हमें दो तीन गाने देखने को मिल जाते बोहिमिया और इक्का का कोलैबोरेशन, बट फ्यूचर में क्या, अब इस जन्म में तो हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। बट एक ये चीज़ मुझे गलत लगी कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन की मैं बात करूँ भाई, लाइव के साथ साथ मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, यहाँ पे लोग भाई इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, इक्का को भी गाली दे रहे हैं, बोहिमिया पाजी को बीच में ला के बोहिमिया पाजी को गाली दे रहे हैं। तो यार उनकी मैंटेलिटी में सोच रहा था कि यार जय हिंद की वजह से वो लोग बोहिमिया को गाली दे रहे हैं, वो मुझे कहने के गलत लगा। बट यार वही बात दोबारा से बोलूँगा कि यार बोहिमिया पाजी को बात करनी चाहिए थी यार, कोलैबोरेशन से रिलेटेड कुछ भी काम था तो यार पैसा भाई, पैसे के इन्वॉल्वमेंट जहाँ पे आ जाते हैं ना भाई, मामला वहाँ पे पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। बट हाँ अगेन वही कहूँगा कि यार बोहिमिया पाजी को पूरा का पूरा सीन अपने आप ही खुद हैंडल करना चाहिए था कि हाँ भाई हम गाना शूट करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट यहाँ पे पैसे की बात आई, उसके बाद लेबल की बात आई, वो सारी चीज़ें तो सारी मेरे ऊपर से निकल गई, क्या सच्चे क्या झूठे हैं। बट मैं कहने के इक्का के साथ जाना चाहूँगा, इक्का का फेवर करना चाहूँगा कि भाई इक्का जो बोल रहा है, क्योंकि यार एक आँखों में चीज़ें पता चल जाती है यार, और इक्का के अंदर जो गुस्सा था वो दर्द था, और जो एक वो चीज़ दिख रही थी जो वो सच उगल रहा था उसके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था इक्का का लाइव सेशन देखे कि भाई उसका मन बिल्कुल भी नहीं है चीज़ें खोलने का, बट धीरे धीरे चीज़ें खुलती गई। वो जिम वाली वीडियो वो दिखा रहे अपनी कि भाई ये देखो अभी मैं जिम कर रहा हूँ, और बहुत सारी बातें भी इक्का चार पाँच बातों पर ही पूरा पूरा वो लाइव सेशन कर रहा था, बट वो भी शायद उसको भी नहीं बोलना चाह रहा होगा खुल के। बट यार जो भी है, हमारा तो जो ड्रीम कोलैबोरेशन था वो तो ख़त्म हो गया है, बोहिमिया पाजी का भी काम चलता रहेगा, इक्का पाजी का भी काम चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो हिप हॉप के जो फैंस हैं उनका भाई नुकसान हो चुका है। अब यहाँ पे जय हिंद का क्या सीन है यार, वो प्रेसिडेंट भी बोलता है, प्रोड्यूसर भी बोलता है, डायरेक्टर भी बोलता है, लेकिन यार अगेन यार अगर कोई नया आर्टिस्ट है तो उसको इन्वॉल्वमेंट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई पुराना आर्टिस्ट है या फिर जो नामी है यार, कितना नाम है यार इक्का का यार हिप हॉप सीन के अंदर, तो यहाँ पे यार नहीं आना चाहिए था मेरे हिसाब से। और कहने गई इस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करता हूँ, जैसे कि इक्का ने बोला कि यार पहले तुम बोलते थे कि यार इंडिया के आर्टिस्ट ऐसे हैं, ये है वो है, गालियाँ देते हैं हमारे यहाँ के लोग, लेकिन अब तुम उन्हीं के साथ कोलैब करना चाहते हो। ये जब मैंने स्टार्टिंग में देखा था ना, जब ये सीन मैंने देखा था, तो मेरे मन में खुद कहने के एक बोहिमिया के लिए वो हो गया था कि यार यार ये बोहिमिया पाजी क्या कर रहे हैं यार,
और इससे तगड़ा सीन मेरा कब चूतिया कटा था, जब मैंने रफ्तार और बोहिमिया पाजी का एक साथ फोटो देखा था। मैंने कहा यार हम लोग भाई लड़ जाते थे कि भाई तू इसका फैन है, मैं तो इसका फैन हूँ, भाई इसने क्या लिखा है, भाई इसने क्या लिखा है। और फिर जब बाद में पता चला कि भाई ये तो कोलैबोरेशन करने के चक्कर में एक साथ फोटो खिंचा रहे, तो वहाँ पे मेरा चूतिया कटा था। और वहाँ पे लगा था कि यार कि एक आर्टिस्ट जो है ना कलम के साथ ही सच्चा होता है, और नेचर से कहना कि वो पिघल जाता है। अब क्या सिचुएशन ऐसी आती है, क्या आता है क्या नहीं आता, बट यार अगेन वही बोलूँगा किसी भी आर्टिस्ट का कुछ भी भरोसा नहीं होता कि वो कब क्या कर दे। लेकिन भाई इक्का का जो आज मैंने गुस्सा देखा है, पंचेज मार रहा था भाई एक के बाद एक, गे हिंद और ये वो रुमाल बेचो ये बेचो, पर्सनल अटैक कहना कहीं मुझे लग रहा है यार तुम जय हिंद को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे KDM बोले तो यहाँ पे बोहिमे पाजी के ऊपर बात आ जाती है। और वो कहना कि मेरे को इक्का की गलत लगी कि यार वो रुमाल बेचने वाला कह रहा है। और ये शायद कहना कि एक अगर पॉइंट देखा जाए तो ये बोहिमे पाजी के लिए सारी चीज़ होती है। वो चीज़ मुझे कहना कहीं गलत लगी कि यार बोहिमे पाजी के बारे में एटलीस्ट नहीं बोलना चाहिए था कि यार तुम 420 हो ये वो हो। एक तरफ अगर इक्का का भी तो पुराना पास्ट देखा जाए तो इक्का बोलते हैं कि भाई मेरे को इससे ये मिला है, मोटिवेशन मिला है ये वो, बट इतना सब कुछ छुपा हुआ था इक्का के अंदर बोहिमे पाजी को लेके, ये भी आज हमको देखने को मिल गया है। अब ये जय हिंद की वजह से निकला है या फिर ये पहले से ही पिछले टाइम से उनके दिमाग में बैठा हुआ था इक्का के, कि जो अभी फ्रस्ट्रेशन के टाइम पे उसने सारा का सारा निकाल दिया बोहिमे पाजी के मन में, बोहिमे पाजी को लेके जो भी उसके मन में था। लेकिन यार वहीं दूसरा बंदा कहता है कि मैं इसका फ़ैन हूँ ये हूँ वो हूँ, पर उसी के मुंह से जब ऐसा सुनने को मिलता है थोड़ा दुख होता है। वही मैं पाजी के लिए, जय हिंद के लिए कुछ भी बोलो इतना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे लग रहा है जय हिंद का ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। और बोहिमिया पाजी को मैं गारंटी कर रहा हूँ लाइव सेशन के बाद पता चला होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें हो रखी और मुझे कुछ मालूम ही नहीं चला। इसलिए मैं वही कह रहा था कि भाई बड़े रैपर के साथ खुद ही बोहिमिया पाजी को डायरेक्ट ही कनेक्शन करना चाहिए कि भाई हमारा कोलैब है क्या है क्या सीन है। आज देख लो यार, अब मैं गारंटी कह रहा हूँ इक्का का गाना आएगा उसके कमेंट सेक्शन भी बोहिमिया के जो फैंस होंगे वो भी गंदी गंदी गाली देंगे। बोहिमिया पाजी को का कुछ गाना आएगा पोस्ट कुछ डालेंगे वो इंस्टाग्राम पे तो उसके नीचे भी गंदी गंदी गाली देने स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भाई नेगेटिव मार्केटिंग दोनों की हो चुकी है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि इक्का का लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, मैं खुद इक्का का सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई इक्का ने अपनी आवाज़ उठाई है और 3 महीने से बंदे यार घुमाया जा रहा है वो सारी बातें खुल के बोली है। क्योंकि आज के टाइम में आर्टिस्ट जब एक बड़ा आर्टिस्ट होता है ना तो भाई बोलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार आवाज़ दबा दी जाएगी, लेकिन आवाज़ जब दबती है तो आतंकवाद बनता है। और वो इक्का ने दिखाया कि भाई मेरे अंदर ज्वालामुखी है और वो पूरा गुस्सा निकाल दिया। मैं इक्का का फुल ऑन सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्का के 2-3 चीज़ हैं, वो ये कि भाई तुम बोहिमिया पाजी को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे वो मुझे गलत लगा, और साथ में जो कुछ लोग जो कमेंट सेक्शन में बोहिमिया पाजी को गाली दे रहे थे वो मुझे कहीं ना कहीं कुछ गलत लगा। क्योंकि अगर बोहिमिया पाजी खुद सामने से आके कुछ बोलते हैं तो भाई हम बोहिमिया पाजी को भी गलत बोल सकते हैं कि यार बोहिमिया पाजी आप ये क्यों कर रहे हो। बट यार एनीवे हिप हॉप है, हिप हॉप जिंदाबाद, इंडिया का हिप हॉप जिंदाबाद, देसी हिप हॉप जिंदाबाद। देखेंगे आगे कभी कोलैब किसी का होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या सीन नहीं होगा, बट गाने बहुत सारे आने वाले हैं हिप हॉप के अंदर। बस यही बोला था, मैं सोच रहा था कि पहले लाइव सेशन डाल देता हूँ सीधा रिकॉर्ड करके, बट यार मेरे मन में भी यही सब चीज़ थी कि यार बोहिमिया पाजी को गाली पड़ रही है, बोहिमिया पाजी की नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, यहाँ पे जय हिंद की गलती की वजह से यार तुम KDM को और उसके बाद फिर वो सब करना, वो शायद मेरे को थोड़ा बहुत गलत लगा। बट आई सपोर्ट इक्का भाई ने आवाज़ उठाई और इक्का का जो गुस्सा है भाई वो देख के मजा आ गया भाई। रैपर को गुस्सा दिखाना चाहिए ताकि कल को जो दूसरे लोग हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, उसके साथ बिचिंग करे, उसके बाद फिर उल्टी सीधी चुगलियां करे, उस सब के लिए उसको एक चेहरा पता चल जाए कि हाँ यार इस बंदे का चेहरा ये है, अगर ये गुस्से में आ गया तो फिर लपेटने का। बट यस लपेटा भाई, बहुत गंदे तरीके से लपेटा है। अब देखते हैं इक्का अपने जो बोल है वो पेन के थ्रू गाने में निकालता है कि नहीं निकालता, बट मेरे हिसाब से यार नहीं निकालना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि यार फिर ये बात इज्जत पे आ जाएगी बोहिमिया पाजी की। और मेरे को लग रहा है कहने के यार आंखों में इक्का के इज्जत दिख रही थी बोहिमिया पाजी के लिए, क्योंकि यार हर एक इज्जत करता है भाई बोहिमिया पाजी की, चीज़ की गारंटी। बट यहाँ पे जेंद की वजह से कहने के लोगों के बीच में मार्केटिंग डाउन हो गई होगी, मन खट्टा हो गया होगा। मेरा खुद हल्का हल्का मन खट्टा हो गया है बोहिमिया पाजी को लेके, KDM को लेके, कि यार पाजी आपने खुद इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं किया, ये चीज़ का सिर्फ दुख है मेरे को। और यार जय हिंद अगेन यार पूरी टीम थी KDM भाई, प्रधान था, गीता बैंस था, हाजी स्प्रिंगर उस टाइम से मैं देखता था, लेकिन अभी सारी की सारी चीज़ें अलग हो गई। और शायद इसका एक कारण मुझे यही लगता है कि वो है जय हिंद पाजी। अब क्या सच है क्या गलत है भाई ऊपर वाला जाने, वो लोग खुद जाने, लेकिन यहाँ पे मेरे मन में जो बात थी वो बोलने का मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने बोल दिया है। अब आप इसको अच्छे तरीके से लेते हैं बुरे तरीके से लेते हैं आई डोंट नो, बट यस मैं हूँ बोहिमिया पाजी का फैन, कट्टर वाला फैन। और बोहिमिया पाजी का यही चीज़ मुझे गलत लगी कि यार उन्होंने खुद सामने से क्यों नहीं इसको इन्वॉल्व लिया। और इक्का का ये मुझे गलत लगा कि यार इक्का
यार आपको बोहिमिया पाजी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, आपने बहुत कंट्रोल किया, इज्जत की बहुत, वो बस मैं ये सोच रहा था कि यार बोहिमिया पाजी को ये उतारे ना, क्योंकि बोहिमिया जेहिंद पाजी को तुमने पूरा गंदी तरीके से नंगा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पे उसकी गलती कहीं ना कहीं लग रही थी और जो इक्का जो फैक्ट लेकर आ रहा था वो मेरे को सच लग रहा था। लेकिन यार यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि यार बोहिमिया पाजी के बारे में गंदा बोले ना, क्योंकि बोहिमिया पाजी के बारे में गंदा बोल दिया तो जो इज्जत वो दिखाता था पिछले कुछ टाइम से वो ऐसा लगेगा कि भाई वो डबल फेस है उसका, वो कहीं ना कहीं उसके मन में शुरू से ही था ये। लेकिन बहुत कम बोला बोहिमिया पाजी के लिए, बट कुछ कुछ जो बोला वो शायद वैसे कुछ बोला नहीं अगर देखा जाए अगर, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे कुछ बोल दिए, रुमाल बेचने वाला और तुम 420 और तुम्हारे गाने कैसे हैं मैंने देखा ये वो, तो वहाँ पे थोड़ा मेरे को कहने के गलत लगा। बस ये था, बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, किसी के लिए कोई भी हेट नहीं है भाई, सिंपल मेरी जो वीडियो है वीडियो को सुनना समझना, उसके बाद लाइक डिसलाइक जो भी करना है वो करना, बस ये है जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। मेरा खुद का चैनल है तो मैं यहाँ पे ही आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ, किसी और के चैनल पर अपलोड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है। अगेन आई सपोर्ट इक्का एंड बोहिमिया पाजी, आपको खुद ही इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए इन सब चीज़ों में, बट हाँ पैसा अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो होने वाली होती है वो सारी सारी खत्म हो जाती है, वो आज एक एग्जाम्पल हमें दिख गया है बोहिमिया पाजी और इक्का का जो कोलैबोरेशन आने वाला था। मैं तो बहुत खुश था यार, मज़ा आ जाता भाई, क्योंकि दोनों की लिखावट में बहुत दम है, बट सब फुस 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 हो गया। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, अभी शायद क्या होता है किसी ने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी स्टोरी डाली होगी नहीं, बट आपको ये बोलूँगा यार यहाँ पे किसी को भी हेट मत करना यार, क्योंकि क्या होता है ना कि हेट जब हम करते हैं ना तो वो, अब देखो जैसे गेहिंद बोला या बहुत सारे नाम बोल दिए, अब वो कहीं ना कहीं एक जब भी डिस्ट्रैक्ट चलता है तो कुछ ना कुछ वो गंदा नाम बोलते हैं तो वो उसका वो फेमस हो जाता है, तो इसका भी फेमस हो गया वो, तो अच्छा यार बोहिमिया पाजी के लिए कुछ नहीं बोला, इसके लिए मैं कंट्रोल, मेरे को मालूम है भाई इक्का ने बहुत कंट्रोल करा होगा कि भाई बोहिमिया पाजी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलना, बट हाँ यार मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ इक्का की तरह बड़ा यार इक्का यार यू किल्ड इट मैन, मजा आ गया भाई देख के। और साथ में मैं यही चाह रहा था कि यार जो हिप हॉप सीन, हिप हॉप क्या क्रांतिकारी मैं क्यों कहता हूँ यार हिप हॉपर्स को, क्योंकि वो अपनी आवाज़ के लिए खड़े होते हैं, और इक्का खड़ा हुआ और आर्मी मैन का लड़का है तो भाई इक्का से हम उम्मीद कर सकते हैं, बट यार देखते हैं अब KDM की टीम की तरफ से या फिर कोई बाहर का बंदा इक्का के लिए डिस निकालता है या फिर इक्का डिस किसी के लिए निकालता है कि नहीं निकालता, लेकिन मेरे ख्याल से मैटर यहीं पे शांत हो जाना चाहिए। और मैं अभी भी ये चाहता हूँ कि यार बोहिमिया पाजी खुद एक बार बात करें इक्का से कि भाई क्या तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन पैसा है जो वो अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देता है, पैसा एटीट्यूड लेबल एनीवे आपके क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं दोनों की साइड हूँ यार, मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है दोनों के गानों पे रिएक्शन करने का, लिखावट दोनों की अच्छी है, बट एक जय हिंद की वजह से पूरा पूरा मामला ख़राब हो गया है। बस ये था, बाकी यार बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।